एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ बंजारा मार्केट का पूरा व्यू, क्योंकि अभी रिसेंटली ही बंजारा मार्केट एक नए सेक्टर में स्टार्ट हुआ है, सेक्टर 62। तो मैं गई हुई थी दिल्ली, और दिल्ली जाकर के बंजारा मार्केट विजिट ना करूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। और मार्केट के अंदर मुझे हर तरीके की वेराइटीज़ मिलती हैं, बहुत ही अच्छा होम डेकोर का सामान हमें देखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाऊँगी कि किस तरीके से वहाँ पर सामान है इस टाइम पर, और किस तरीके से वो लोग प्राइस को कोट कर रहे हैं। फुल डिटेल में आप लोगों के साथ पूरा वीडियो में मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ये नया मार्केट है जो कि सेक्टर 62 में ओपन हुआ है, और यहाँ पे कलेक्शन पहले वाले मार्केट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी वेल मेंटेन था, क्योंकि सब लोगों को शॉप्स डिवाइड कर दी गई हैं, मतलब सबको अलग अलग शॉप्स दे दी गई हैं। तो काफ़ी अच्छे से सामान जो है वो डिस्प्ले में था, और मैं ईजिली देख पा रही थी कि कौन सी शॉप पर क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो इस तरीके से सारी शॉप्स पर आप लोगों को वुडन का, मेटल का, और इस तरीके से मार्बल वाले कॉर्नर्स स्टूल्स वगैरह हैं, ये भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। ट्रेस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला वहाँ पे। तो इस तरीके से जो भी वैरायटीज़ थी वो भी थोड़ी सी बढ़ाई हैं इन लोगों ने, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले करा हुआ है शॉप के अंदर कि हम लोग इजीली सामान को जो है वो देख पाएँ। मार्केट में वुडन और वॉल डेकोर वाला आइटम बहुत ही अच्छे कलेक्शन के साथ मुझे देखने को मिला, लेकिन सेरेमिक वाला जो भी आइटम्स थे वो काफ़ी कम थे, बहुत कम शॉप्स पे थे सामान जो भी सेरेमिक का था, और किचन से रिलेटेड सामान तो बहुत ही कम था इस बार इस वाली मार्केट के अंदर। बट जो पुराना वाला मार्केट है अभी, वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट लग रहा है, तो वहाँ पर आपको सेरेमिक का सामान देखने को काफ़ी मिलेगा। बट न्यू वाली मार्केट के अंदर मुझे बहुत कम शॉप पर सेरेमिक का सामान देखने को मिला। बंजारा मार्केट के अंदर लगता है कि सारा सामान परचेज़ कर लिया जाए, इसकी भी मुझे ज़रूरत है इसकी भी, बट ऐसा नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ इस बार मैंने देखा कि इस तरीके से आपको खाट भी मिल रही थी जो पुराने ज़माने में चलती थी, आजकल लोग इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी बालकनी में इसको यूज़ कर रहे हैं। अमेज़ॉन पर इसका काफ़ी ज़्यादा महंगा प्राइस है, बट यहाँ पर शायद हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल सकता है। मैक्रिन्स की बास्केट और इस तरीके से स्टूल वगैरह हमें सब देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये लोग प्राइस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोट कर रहे थे। उसका भी एक रीजन है, आप अपने आप देख लीजिए कि वो क्यों कर रहे थे। भैया मैं 1200 बहुत कॉस्टली सामान हो गया है। किराया पे फ्री में था, है ओनली पानी का देना होता था या बिजली का? वहाँ बिजली ठीक है, इतना सोर्स नहीं था, वहाँ लाइट का हम तो बहुत बार आए थे। वो ये ना, वो यही तो बात होती है, फ्री की चीज का कहाँ इतना कम होता है। ये बताओ कितने का दोगे भैया? क्या दे रहे हो? 300 रुपए लोग है ना, तो 700 रुपए। तो आप लोगों ने सुना, भैया बोल रहे थे कि अभी मार्केट के अंदर उनको शॉप का रेंट पे करना होता है 16,000, तो इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा कोट करके बोल रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पा रही थी इस बार बार्गेनिंग में, तो जो भी वो लोग कोट कर रहे थे उससे थोड़े से ही पैसे कम करके हम लोगों को सामान दे रहे थे। और भी मैंने एक चीज़ देखी है मार्केट के अंदर कि जितने जो मार्केट शॉप्स जो बंजारे लोगों को दी गई है, साथ ही साथ जो लोकल आदमी हैं उन लोगों ने भी वहाँ पे शॉप्स ले ली हैं रेंट पे, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा कोट कर रहे थे सामान का। तो बस आप ये देख लीजिएगा, जो बंजारे लोग हैं वो तब भी थोड़ा सा बार्गेनिंग कर रहे हैं, बट इस तरीके की शॉप्स वाले तो बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। तो जब भी आप विज़िट करें तो आप देख लीजिएगा कि आप बंजारे लोगों के पास जा रहे हैं या इस तरीके की बड़ी शॉप्स पर जा रहे हैं। और ये डियर सेट 1600 का है, एक मिरर वाली।
ये वाला जो ये सिंगल रखा हुआ है सेट के साथ है क्या? ये तीन का सेट है, अकेले नहीं मिलेगा ये? अकेला मिल जाएगा। कितने का है ये छोटा वाला? ये 1200 रुपए। और पूरा सेट 3500 रुपए का। सेरेमिक का सामान काफ़ी कम कलेक्शन के साथ था मार्केट के अंदर, लेकिन जहाँ पर भी था वहाँ काफ़ी सही प्राइस में मुझे मिल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सामान लिया है सेरेमिक का, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने बंजारा मार्केट से क्या क्या परचेज़ किया है और कितना मैंने अपना बार्गेनिंग स्किल दिखाया है शॉपिंग के टाइम पर, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ऑल ओवर सामान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मार्केट के अंदर। मेरी वुडन वाली ट्रे कितने की है? क्यों भैया? 500 रुपए। और ये सेट वाला? ये भी 500 दे दो। चलो ले दो। ये सेट वाला? क्यों? ये 1100। तो इस बार मार्केट के अंदर हैंडमेड आइटम्स भी काफ़ी देखने को मिला, साथ ही साथ वुडन का आइटम्स हमेशा ही मार्केट में बहुत देखने को मिलता है। इस तरीके से कोटेशन वाले या फिर कोई भी नाम के साथ आप वुडन आइटम ले सकते हैं। और इस वाली शॉप के अंदर फिर से उसी तरीके से बहुत ही मैसी था सारा सामान, ढूंढना था सारा अपने आप जो भी लेना था, बट कोट वो जो कर रहे थे उसके बाद जो बार्गेनिंग करने के बाद जो मैं प्राइस लगा रही थी वो मुझे उसी में वो दे रहे थे, यही अच्छी बात थी। लेकिन सामान सारा बिल्कुल सही था। कुछ कुछ शॉप्स पे आप देखेंगे कि मैं ये वान्यार ने थोड़ा सा ड्रॉर्स वगैरह लिया था, बट इस शॉप पे बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, मतलब 50 रुपीज़ भी वो कम नहीं कर रही थी। और नॉर्मली जो भी है हम थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करते हैं तो पहले बहुत ये लोग कर लेते थे, बट इस बार बिल्कुल भी बार्गेनिंग करने के मूड में नहीं थे, तो मुझे थोड़ा सा सामान इसी वजह से छोड़ना भी पड़ गया था। और देखिए किस कंडीशन में सारा वुडन आइटम था, और सब कुछ वहाँ पर होता है, आपको जो भी आइटम लेना है होम डेकोर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, आपको सारा आइटम बंजारा मार्केट में देखने को मिलेगा। बट इस कंडीशन में भी ये लोग बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, कोई भी आइटम जो भी मैं ले रही थी उसमें उन्होंने 50 रुपीज़ भी मुझे कम करके नहीं दे रहे थे। तो इस शॉप से वान्या को थोड़े से ड्रॉर्स वगैरह पसंद आ रहे थे तो वही हमने परचेज़ किए, बट बार्गेनिंग हम नहीं करवा पाए थे। साथ ही साथ मार्केट के अंदर काफ़ी रग्स कारपेट वगैरह का भी कलेक्शन बहुत था, बट प्राइस बहुत हाई करके बोल रहे थे ये लोग। और इतना भी रग्स वगैरह जो मैंने देखे थे उनमें थोड़ा सा कहीं से दाग वगैरह लगा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा या साफ़ सुथरा कलेक्शन नहीं था रग्स और कारपेट्स वगैरह का। इसके साथ सबसे अच्छा जो कलेक्शन था वो था प्लांटर्स का और इस तरीके की मेटल्स कॉर्नर्स स्टूल्स वगैरह का, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लासी लगता है और अमेज़ॉन पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी मिलता है, बट ये लोग काफ़ी कोट करेंगे हम लोगों को। इसके बाद आपको बार्गेनिंग करके आप बहुत अच्छे प्राइस में यहाँ से ये वाला आइटम ले सकते हैं। और इस बार वान्या भी मेरे साथ मार्केट आई थी, और जब वो छोटे छोटे आइटम्स देख रही थी डेकोरेट का या फिर कोई भी वुडन आइटम, तो उसको इतना पसंद आ रहा था और हर चीज़ के लिए कि या ये भी ले ले हम, क्या ये भी ले ले हम, और बहुत ही अच्छे से उसने पूरे मार्केट को एंजॉय किया, सारी चीज़ें देखी कि वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, अपने मतलब का सामान तो उसको हर जगह से ही दिख रहा था। तो इस तरीके से पूरे मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, बस थोड़ा सा प्राइस का ही हो रहा था कि ये लोग कम नहीं कर रहे थे, बाकी मार्केट काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन कर लिया है। सबको अलग से शॉप दे दी गई है नंबर्स के साथ, तो आप याद कर सकते हैं कि अगली बार अगर आपको जाना है किसी पर्टिकुलर शॉप पे तो वहाँ पे नंबर्स हैं, तो आप उसके हिसाब से जा सकते हैं शॉप पे। और जो पुराना वाला मार्केट है वहाँ पे भी थोड़ा सा मार्केट था, बट मैं वहाँ पे नहीं गई थी। जो नया वाला मार्केट है इसके अंदर जितने भी प्लांटर्स हो गए आपके सेरेमिक वाले, वो वाला सामान बहुत ही कम था, ना के बराबर ही था, क्योंकि थोड़ा टूटने का प्रॉब्लम की वजह से इन लोगों ने वो सामान नहीं रखा हुआ था। लास्ट में मैं इस शॉप पे पहुंची थी जहाँ पे इस तरीके से होम डेकोर का आइटम मुझे काफ़ी मिल रहा था। ये होम सेंटर पे बहुत ही हाई रेंज में मिलता है और यहाँ पे काफ़ी कम रेंज में मुझे ये मिल रहा था, तो जो भी मैंने परचेज़ किया है वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि अब बंजारा मार्केट में शॉपिंग किस तरीके से करनी है। तो इतना ही था आज के वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट बंजारा मार्केट हॉल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।